फिल्म मुझे बहुत काफ़ी पसंद आई दशहरा। दशहरे में दशहरा ने काफ़ी धूम मचा दिया। काफ़ी रियलिस्टिक फिल्म है, 2 घंटे की फिल्म है, मुझे काफ़ी जोड़ कर रखी फिल्म है, मुझे ना बोरिंग नहीं लगा। और नील नितिन मुकेश जो उनका एक्टिंग मुझे काफ़ी पसंद आई। पहले फिल्मों में मैंने देखा तो इतना मुझे थोड़ा पसंद नहीं आते, लेकिन इसमें जो कॉप्स का रोल कर रहे हैं क्या धमाल मचा दिया, तो मुझे काफ़ी पसंद आई फिल्म। मूवी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई लाइक द ट्विस्ट एंड टर्न्स हाउ दे पोर्ट्रेड, जिस तरह से उन्हें वो बताया कि इट इज़ एक्चुअली गलत हो जाएगा बोलना कि वेदर इट इज़ अ मर्डर और वेदर इट इज़ अ सुसाइड, बट अगर हम ट्रेलर को भी देखें तो उसके वाइज अगर हम बात करें तो काफ़ी ही बखूबी से वो चीज़ है। ट्रेलर से कुछ ज़्यादा ही हमें मूवी में देखने मिलता है। आमतौर पर जब ट्रेलर लॉन्च होता है एंड मूवीज आती है तो थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है मूवी के बाद, बट दिस इज़ द परफेक्ट, आई थिंक एवरीवन शुड वॉच दिस मूवी। परफॉर्मेंस उनके जो परफॉर्मेंस को कोई डाउट ही नहीं है, अगर हम देखें तो ही इज़ अगेन उनकी हर एक फिल्म में अलग ही किरदार निभाते नज़र आए। इनफैक्ट इस मूवी में भी शायद वो एक पुलिस का कैरेक्टर निभा रहे हैं, तो अगर हम कैरेक्टर करें तो वो एक हर कैरेक्टर के लिए एकदम परफेक्ट होमवर्क, जो डायलॉग डिलीवरी है एंड जिस तरह से वो एंटर करते हैं, आई वाज लाइक टोटली फ्लैटजन कि लाइक वाओ दिस इज़ लाइक नील नितिन मुकेश हैज डन द अमेजिंग जॉब, लाइक इट वाज रियली अमेजिंग। फिल्म के गानों के बारे में आपका क्या कहना है? गाने इतने नहीं हैं, गाने एक है जो मुझे एक सैड सॉन्ग है, मुझे उसके बोल इतने अच्छे से पता नहीं है, बट वो सैड सॉन्ग जब हम सुनते हैं तो वो अच्छा था एक ऐसा। बाकी एक ऐसा कोई फंकी टाइप ऐसा कुछ सॉन्ग थे नहीं, पैपी सॉन्ग जिसमें हम डांस करते, इट वाज नथिंग लाइक दैट। द मूवी इज़ ऑल बेसिकली सिंपल सोवर सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ अ मूवी विच एवरीवन शुड वॉच इट बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द रियलिस्टिक कि व्हाट हैपेंस हाउ इट गोज एवरीथिंग इट इज़। एग्जैक्टली, सो पॉलिटिकल देयर आर द लॉट ऑफ थिंग्स जो कभी कुछ छुपाया जाता है, कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम पर्दे बड़े पर्दे पे जब वो मूवी लगती है बड़े पर्दे पे तो वो सामने नहीं आते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, पर इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं था कि काफ़ी कुछ चीज़ें खुलकर भी आई कि हाँ आप फॉर अ सेकेंड यू विल बी लाइक कि ओ ऐसा भी होता है, अच्छा ये तो नहीं था। बट हाँ मुझे एक चीज़ नील नितिन की वो एक डायलॉग बोलता है जिसमें वो कुछ ऐसा डायलॉग है कि क्राइम कबड्डी खेलने जैसा है, जितना इन्जॉय करोगी उतना खेल पाओगी एंड समथिंग ऐसा ही कुछ डायलॉग है वो जब वो बोलते हैं, इट वॉज लाइक अमेजिंग। ओवरऑल इट इज़ अ पैकेज मूवी, यू शुड वॉच, एवरीवन शुड वॉच इट। 5 में से आई वुड लाइक टू गिव इट 3 बिकॉज इट्स बाकी भी मूवीज़ है एंड थ्रिलर ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती, बट आई पर्सनली फील 3 इज़ अ परफेक्ट। मुझे इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी ऑनेस्टली मूवी, क्योंकि कॉमेडी के उसमें मूवी में आई डोंट थिंक सो थ्रिलर मुझे इतना एक्साइट करता है। आई पर्सनली डिडंट लाइक थ्रिलर। नील की एक्टिंग एक्चुअली बहुत अच्छी थी क्योंकि नील इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बट और काफ़ी टाइम के बाद में ये मूवी भी रिलीज़ हुई है, सो इफ़ यू कंपेयर दैट तो मुझे नील की एक्टिंग ठीक लगी, बट मूवी की स्टोरी लाइन आई थिंक थोड़ी और बेटर हो सकती थी। डायरेक्शन एंड लोकेशंस की बात करें, लोकेशंस भी अच्छे ही थे, ठीक थे, मतलब एवरेज मूवी थी बेसिकली, इतना कुछ मुझे कन्विंसिंग नहीं लगी ऑनेस्टली मूवी, और एंटरटेनमेंट भी इतना कुछ खास नहीं था। जी मूवी एक मैसेज तो दे रही है, बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जब आप आके खुद आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मूवी कैसी है। कितने साल? 3। सो कैसी लगी? फिल्म अच्छी थी, पॉलिटिकल ड्रामा है, नील नितिन मुकेश ने अच्छा काम किया है, बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छा है। बेसिकली फिल्म अच्छी, आपको देखने जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा। अच्छी फिल्म में मैसेज भी है, सब है, अच्छी है, इट्स मस्ट वॉच, इट्स मस्ट वॉच। एक्चुअली बैड एस, सही है, अच्छे लग रहे, बहुत रफ एंड टफ, सही है। म्यूजिक कैसा मूवी? नहीं म्यूजिक म्यूजिक अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है। फिर से देखना चाहोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। 3.5। थैंक यू। कैसी लगी मूवी? मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, एक बार देखने के लायक है। इनमें बहुत सारे ट्विस्ट मिलेंगे आपको, जिनमें 4 लड़कियों के बारे में दिखाया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में दिखाया गया है। अगर हम
बात करें कि नील की एक्टिंग की, नील ने पहली बार एक कॉप का रोल प्ले किया है, तो उनकी एक्टिंग वाइज किस तरह कैसी लगी आपको? नील एक बहुत अच्छे एक्टर है, वो जिस किरदार पे जाते हैं उसे अच्छी तरह से निभाते हैं। जैसे हमने उनकी कई मूवीज़ देखी हैं और इसमें भी वो बहुत अच्छी एक्टिंग किए हैं। अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करें तो वो कितनी बखूबी से उसको प्ले किया? नील ने ट्विस्ट इस मूवी में ट्विस्ट इतने अच्छे हैं कि आप एक बार जरूर देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये मूवी किस टाइप से है, आपकी इसके ट्विस्ट बहुत अच्छे लगेंगे। फिर हम बात करें मूवी कोई मैसेज देती है? मूवी पॉलिटिकल मैसेज देती है कि आप अपनी किस प्रकार के पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं और उनमें क्या क्या ट्विस्ट होते हैं, ये सब चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी इस मूवी में। कैसे देखना चाहेंगे आप? मैं एक बार और देखना चाहूँगा बट कुछ दिनों बाद। कितने स्टार आउट ऑफ 5? इसमें मैं 4 दे सकता हूँ सर। थैंक यू सो मच। मूवी एवरेज एवरेज थी। स्टोरी कैसी थी? हाँ स्टोरी लाइन्स 3.5 स्टार आई थिंक। यार नील नितिन मुकेश हमेशा बेटर करते हैं और बेटर करने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छा करा उन्होंने मेरे हिसाब से। जो मेरे उसका जो थ्रिलर सस्पेंस था ना वो मेरे को बहुत बेस्ट लगा उसका। म्यूजिक नाइस। फिर से देखना चाहेंगे? हाँ मे बी अगर पैसा ना देना पड़े तो। हाँ 3.5। थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छी थी मूवी, लाइक ट्रेलर जब देखा था तो एक्सपेक्टेशंस थे बट देन टू द पॉइंट नहीं था मूवी का जो भी ये थे, तो या इट वाज नाइस। नील नील काफ़ी पहले से वो नेगेटिव रोल लाइक प्लेयर्स में उन्होंने नेगेटिव किया था, अभी ही इज़ इनटू द पॉजिटिव रोल, तो या ही वाज वेरी नाइस। लाइक अच्छा स्टोरी ओके थ्रिलर था, सस्पेंस था, सस्पेंस एक एक करके वो लोग बिल्ड कर रहे थे, तो या आई लाइक्ड इट। म्यूज़िक में एक ही गाना था शायद, या एक ही गाना था, तो या ओके नाइस इट वॉज। वन टाइम वॉच तो नो, वन टाइम वॉच 3। थैंक यू सो मच।